बहुत बड़ी खबर मिल रही है जबलपुर से, जहां दिग्विजय सिंह बोले हैं कमलनाथ जी को लेकर बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है। बयान कुछ ऐसा है जो कई इशारे भी करता है और इशारे कुछ उलझे अनसुलझे से इशारे करता है। सुनिए पहले दिग्विजय सिंह जी ने क्या क्या, बहुत बड़ी खबर है कमलनाथ जी के दिल्ली जाने को लेकर क्या बोले हैं दिग्विजय सिंह, सुनिए। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? तो देखिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के, और उनकी बॉडी लैंग्वेज ही काफी कुछ कहती नजर आ रही है। शरद जी, हमने दिग्विजय सिंह को पहले भी कई बार देखा है जो अपने बयान देते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने इंदिरा गांधी, इसके साथ ही नेहरू जी की भी याद दिला दी, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती नजर आ रही है, उनके जो बयान है उसमें क्या संकेत छिपे हुए देख रहे हैं आप? सर मुझे चिंता ज्यादा लगी उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और डिफेंसिव दिखे हैं मुझे दिग्विजय सिंह जी, बजाय ये कहने के कि कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये वैसे ही असंभव है कि सूरज पश्चिम से निकले, कमलनाथ जी कांग्रेस में छोड़कर जाने की बात सोच नहीं सकते, बात खत्म, आप भूल जाइए, ये सब बीजेपी का प्रोपेगंडा है। मैं सोचता हूं कि जवाब कुछ इस तरह से आना था, लेकिन जवाब लंबा है, चेहरे पे चिंता है, सुरक्षात्मक बॉडी लैंग्वेज है, तो कहीं इन चर्चाओं को लेकर, कहीं इन बातों को लेकर ये जो चर्चा है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि, और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के लिए एक बात हमेशा कही जाती है कि वहाँ इन दोनों नेताओं के बीच में पहले सब कुछ बातचीत हो चुकी होती है, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, सुशील दोषी जब कॉमेंट्री करते थे रेडियो पे तो वो ये कहते थे कि बॉलर की इस अपील में आत्मविश्वास कम है और जोश ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां जोश भी नहीं दिखा कि वो नहीं जाएंगे और आत्मविश्वास का वो स्तर जो अपेक्षित था। मैं फिर कहूंगा ये हमारा अनुमान है कि हो सकता है कमलनाथ जी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये बात हम भी बार बार कह रहे हैं कि कमलनाथ इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र कहे जाते थे, लेकिन बात नई पीढ़ी की है, छिंदवाड़ा में भी ये चर्चाएं हैं कि कमलनाथ जी कांग्रेस न छोड़ें, लेकिन क्या नकुलनाथ जी छोड़ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि नकुलनाथ जी का भी कांग्रेस अगर वो छोड़ते हैं, अभी तो ऐसी कोई खबर नहीं है और ये सब अनुमान और अटकल की बातें हैं, लेकिन अगर वो भी छोड़ते हैं तो ये कमलनाथ जी के लिए और समूची कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। जया निश्चित तौर पर सर ये अटकलें हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हम देख रहे हैं उन अटकलों को बल जरूर मिलता दिखाई दे रहा है।